आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल का जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं वो एक्सरसाइज 6.3 का है और एनसीईआरटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और सिमिलैरिटी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में वो मैं पार्ट बाय पार्ट अलग क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको इसका वीडियो सारे का मिल जाए और आपका कॉन्सेप्ट इजली बन जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, और मैं गारंटी लेता हूं आपको सिमिलैरिटी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको वीडियोस को पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर। इन द फ्लोइंग फिगर ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ दो ट्राइंगल की बात हो रही है, किसकी किसकी, ओडीसी की, मतलब ओ डी और सी इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। एक हमारा ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग देखें तो ओ बी ए, ये ट्रायंगल की बात हो रही है। दो ट्रायंगल है हमारा, यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहा था, यही दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, और इसमें पहले ही कह दिया गया है कि ओ डी सी इज सिमिलर टू ओ बी ए। तो देखिये जब सिमिलरिटी कह दी गई है तो देखिए इसका बड़ा महत्व होता है, ये जो चीजें लिखी हुई हैं इसका बड़ा महत्व होता है। महत्व क्या होता है बात समझिएगा, एकत्र मैं समझा रहा हूं। जैसे यहां पे अगर हम लोग बोले तो यहाँ ओडी जो है वो ओबी के, ये दोनों की प्रोपोर्शनलिटी जो होगी, मतलब साइड की जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो सबकी सेम होती है। तो यहां से अगर सिमिलैरिटी दे रखा है तो देखिए क्या क्या चीजें यूज तो नहीं है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ओडी बाई आप ओबी लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी सी बाई ओडी बाई हो गया ओबी, उसी तरीके से डी सी बाई बी ए भी लिख सकते हैं, और इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं ओ सी बाई ओ ए भी लिख सकते हैं, और ये सब की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो हमेशा सेम होगी, तो इसका कोई यूज नहीं है। साथ ही और क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए एंगल ओ बराबर एंगल ओ होगा, एंगल डी बराबर एंगल बी होगा, और एंगल सी बराबर एंगल ए होगा। यहाँ पे एंगल्स सारे के सेम होते हैं, तो यहाँ पे सारे के सेम कहने का मतलब कि जिस प्रोपोर्शनलिटी साइड के अनुसार है ना, उनके एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे। जैसे ओ का एंगल ओ होगा, डी का एंगल बी होगा, सी का एंगल ए होगा। तो देखिए यहां से कुछ कुछ चीजें हमें मिल रही है। तो हम अगर बात करें एंगल, सिंपल सा लिख सकते हैं एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू, अगर हम लिखे एंगल डी सी ओ तो यहां क्या लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज है कि एंगल्स भी उनके क्या होते हैं इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के। तो यहां पे ए जो है वो सी के बराबर हो गया, ए जो है वो हमारा सी के बराबर हो गया। तो और उसी तरीके से हम बी को किसके बराबर कह सकते थे, बी की अगर बात करें तो डी के बराबर होगी, तो यहां अगर बी की बात करो तो ये डी के बराबर होगी और ओ सी के बराबर होगी, ठीक है। ये सबका अलग अलग तरीके से मैंने डिनोट कर दिया, यूजेस उसी का है जिसको हमको जनरली निकालना है उसी का यूज करेंगे, लेकिन मैंने बात सारी बता दी है। अब देखिए एंगल बी ओ सी 125 डिग्री है, मतलब बी ओ सी 125 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल सी डी ओ, यहां ध्यान से देखिएगा एंगल सी डी ओ जो है वो 70 डिग्री है। क्या है हमारा एंगल सी डी ओ जो है वो हमारा 70 डिग्री है, और सी डी ओ ये 70 डिग्री है। फाइंड क्या करना है आपको, डी ओ सी, डी सी ओ और एंगल ओ ए बी, ये तीन चीजें फाइंड करनी है। तो देखिए डी ओ सी, डी ओ सी मतलब ये एंगल, प्लस एंगल डी सी ओ, डी सी ओ मतलब ये एंगल और ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग जो देखेंगे सिमिलैरिटी में, देखिए अगर कोई भी ट्रायंगल आप देखें तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आपको देख लेना है। तो अगर हम बात करें तो बी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी ओ डी हमारा क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, या आप डी ओ बी भी कह सकते थे, बी ओ डी भी कह सकते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो
या मैं यहां से लिख देता हूं डी ओ बी भी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से ध्यान दीजिए, डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ओ सी प्लस डी ओ सी प्लस सी ओ बी लिख सकते हैं, एंगल सी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या देखिए डी ओ सी की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है। क्या हमें सी ओ बी की वैल्यू पता है, सी ओ बी की वैल्यू हमें पता है 125, तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ओ सी प्लस 125 बराबर 180। यहां से एंगल डी ओ सी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 180 डिग्री माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। तो यहां से देखिए डी ओ सी हमें मिल गया, डी ओ सी हमें फाइंड करना था, ये हमें मिल गया, डी ओ सी हमें फाइंड कर लिया, कितना होगा 55 डिग्री। तो मैं इसे रब करके और यहां पे मैं अब लिख सकता हूं 55 डिग्री, कितना लिख सकते हैं 55 डिग्री, कोई टेंशन नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, एंगल डी सी ओ चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो देखिए इसके बाद हम अगर इन ट्रायंगल डी ओ सी को देखें, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, एंगल डी ओ सी को अगर देखें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। तो हम सिंपल से यहां से अगर बात करें, क्या हमें एंगल डी सी ओ पता है, तो डी सी ओ हमें नहीं पता है, तो यहां से हमें निकालना ही डी सी ओ है, क्या निकालना है डी सी ओ, तो एंगल डी सी ओ को एंगल डी सी ओ ही लिख देंगे। सी डी ओ को देखते हैं, तो सी डी ओ, सी डी ओ की वैल्यू 70 डिग्री है, प्लस डी ओ सी, डी ओ सी की वैल्यू 55 डिग्री अभी हम लोगों ने निकाली थी, बराबर 180 डिग्री। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो एंगल डी सी ओ की जो वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। तो चलिए ये एंगल का भी वैल्यू हमको पता चल गया, मतलब ये एंगल भी कितना होगा 55 डिग्री होगा, ठीक है। तो दोनों जब हमें पता चल गया, जब इसमें हमें ये पता चल गया, और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि डी सी ओ जो है, डी सी ओ जो है वो किसके बराबर है, बी ए ओ के, और हमें यहां पे निकालना भी वही है, ओ ए भी निकालना है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि डी सी ओ बराबर एंगल ओ ए बी या ओ बी ए, ओ ए बी या बी ए ओ लिखे कोई टेंशन नहीं, बराबर कितना आप लिख सकते हैं 55 डिग्री। तो यहां से देखिए, सॉरी हाँ ठीक है, तो आपका डी सी ओ का भी वैल्यू निकल गया, बी ए ओ का भी वैल्यू निकल गया, आप सारे ट्रायंगल का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल किससे सिमिलर था, इससे सिमिलर था, और इस कंडीशन को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर सिमिलर इन इक्वल ट्रायंगल। तो इस तरीके से आप तीनों वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहां से हमें एंगल डी सी ओ की वैल्यू मिल गई थी और यहां से हमें डी ओ सी की वैल्यू मिल गई थी और यहां से हम लोग उसकी वैल्यू निकाल लिए थे। तो यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे इसको आप लिख सकते हैं, इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ था, ओ डी सी इज सिमिलर टू एंगल, सॉरी सिमिलर टू ओ बी ए। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी बराबर कितना 55 डिग्री, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं।
तो तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे।